तुम बाहर कैसे आई? मैं वहां से भाग गई। भाग गई? आपको खुदा का वास्ता है राशिद मियां, आप चाहे तो मुझे जिंदा दीवार में चुनवा दीजिए, चाहे तो मेरा कत्ल कर दीजिए, लेकिन मुझे दोबारा वहां मत भेजिए। बड़ी वी, आपके पैर पड़ रही हूं, मुझे माफ कर दीजिए। बड़ी वी, मुझे पता है मैंने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया, बहुत बुरा सलूक किया, मुझे बहुत अफसोस है उस बात का। बड़ी वी, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांग रही हूँ, मुझे वहां दोबारा मत भेजिए। आप लोग चाहे तो मैं जमीन पर अपनी नाक रगड़कर माफी मांग लूंगी, लेकिन मुझे वहां मत भेजिए, मुझे वहां मत भेजिए दोबारा। बड़ी भी पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। राशिद, रजिया तुम्हारी गुनहगार है, तुम इसके साथ जो चाहे सुलूक करो, लेकिन मेरी तुमसे एक गुजारिश है। रजिया ने गुनाह किया है और उस गुनाह की सजा इससे ज्यादा उमेरा को मिल रही है। मेरी बच्ची बहुत बड़ी बीमारी के बाद ठीक हुई है, उसे अपनी अम्मी की जरूरत है। बाकी तुम्हारी मर्जी। मैं भी हुमेरा की भलाई की बात कर रहा हूं भाईजान। देखने दीजिए उसे भी कि सच क्या है, देखने दीजिए हुमेरा को भी कि उसकी अम्मी किस तरह की औरत है। अरे जब उसे पता चलेगा ना तो वो खुद इन्हें मसाला फैक्ट्री में छोड़ाएगी। मैं अभी वहां पे फोन कर रहा हूं। समझाइए ना राशिद मियां को, मैं वहां दोबारा नहीं जाना सर, समझाइए। अम्मी, नहीं वो बस कुछ नहीं, इनको दादी की फिक्र हो रही थी, वही जाहिर कर रही थी। अब ठीक है, ये आइए उठिए। हुमेरा, हमें तुमसे कुछ कहना है। बात है हुमेरा, अब अब्बू ये कह रहे हैं कि तुम दादी के लिए सालन बना दोगी प्लीज। मैं जानता हूं मैं यहां कभी नहीं आता, लेकिन मेरे दिल में मेरे भाई के लिए मोहब्बत इस घर के लोगों के लिए नफरत से कहीं ज्यादा है। मैंने तुम्हें बहुत बार फोन किया था, तुमने उठाया नहीं। मैंने सोचा कि मैं यहां आ जाता हूं तुमसे मिलने। अयान, मैं जानता हूं तुम बहुत परेशान हो, अच्छा मैं ये जानता हूं कि तुम परेशान हो तो मैं चैन से नहीं रह सकता। मैं जानता हूं तुम्हें निकट की फिक्र है,
जी हाँ, मुझे निकट की फिक्र है, बहुत फिक्र है। खैर, लेकिन आप बताइए, आप यहाँ क्यों आए हैं? बयान, मैं जानता हूं, तुम्हें लगता है कि मुझे निकट से ज्यादा नजमा की फिक्र है। मैं तुम्हें ये बताने आऊं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जहां मैं खड़ा हूं वहां से तो ऐसा ही लग रहा है जैसे आप निकट की, उसकी खुशियों की, उसके जज्बातों की कोई फिक्र नहीं है। मैंने निकट से बात की थी, उसने कहा था कि इस रिश्ते के टूटने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसने कहा था और आपने मान लिया? उसने जो कहा था आपने वो सुना, लेकिन आप उसकी खामोशी नहीं समझ पाए। वो चाहे कुछ भी कह ले भाईजान, मैं जानता हूं, क्योंकि उसने अपनी सारी फीलिंग्स मेरे साथ शेयर की थी। लेकिन तुम खुद ही सोचो आयान, अगर इमरान ने अपनी जुबान से कहा है कि वो निकट से प्यार नहीं करता, तो निकट ऐसे इंसान के साथ निकाह करके खुश रहती? मोहब्बत इंसान को भूलने की ताकत देता है। अगर इमरान को निकट से मोहब्बत है तो उसके हाथ में बोलता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि नजमा को उसकी मोहब्बत मिल जाए। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं ताकि निकट ऐसे इंसान के साथ निकाह ना करे जो उसे मोहब्बत नहीं करता। और ये बात वो भी समझती है, वो जानती है, शायद तभी उसने ये रिश्ता तोड़ा है। और रिश्ता टूटते ही नजमा और इमरान का रिश्ता जुड़ गया। क्या आपने कभी ये नहीं सोचा कि हो सकता है कि निकट ये सब नजमा के लिए कर रही हो? सोचा आपने? आयान, अगर तुम्हें लगता है कि निकट को नजमा और इमरान के रिश्ते से हमेशा अफसोस रहेगा तो हम में से कोई नहीं चाहता कि निकट का दिल तोड़ के नजमा का घर बसाया जाए। ऐसा कोई नहीं चाहता। हम ये रिश्ता तोड़ देंगे। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे भाईजान। वाओ, स्टार्स कितने ब्यूटीफुल हैं। नजमा, मैं तुम्हें बता नहीं सकती, जब मिस्टर खान ने मुझे ये सरप्राइज दिया, I was like crazy. क्या हुआ? कुछ नहीं, एक्चुअली मैं बहुत नर्वस हूं। भाईजान ने इमरान की अम्मी को बुला तो लिया, लेकिन आई जस्ट होप सब कुछ ठीक हो जाए। डोंट वरी, सब कुछ ठीक होगा। वैसे लाइफ कितनी अनफेयर होती है ना। क्यों? मैं तो प्लान्स बना रही थी कि जब मैं तुम्हारी भाभी बन जाऊंगी तो तुम्हें ऐसे तंग किया करूंगी, वैसे तंग किया करूंगी। तुम तो बहुत स्मार्ट हो यार। तुमने तो पहले इतना एस्केप प्लान बना लिया। जैसा टिपिकल टीवी में होता है ना, ननद भाभी वाला झगड़ा, वो करना था मुझे। आई थिंक मैं भी वो सारे झगड़े बहुत मिस करूंगी। वेल, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम अभी झगड़ सकते हैं। कैरेक्टर ना, ननद वाला परफॉर्म करो, बोलो अपना डायलॉग। सोया, मैं आपसे झगड़ा नहीं कर सकती, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि आज आपकी वजह से मैं और इमरान एक हो पाए हैं। किसी के करने से कुछ नहीं होता, वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है। मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल गई। एंड यू नो व्हाट, जोया फारूकी ने अपने सुपर एक्स-रे विजन से यह पता कर लिया है कि तुम इमरान से बहुत मोहब्बत करती हो, है ना? कश्मीर का है? जी। माशाल्लाह,
ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया। आप सब खड़े क्यों हैं? बैठी ना। अब इस सब की क्या जरूरत थी दिलशाद जी? अरे आप और इमरान पहली बार एक साथ हमारे घर पर आए हैं, तो यूं खाली हाथों से इस्तकबाल कैसे करती? लेना देना तो अब चलता ही रहेगा दिलशाद जी। चांद वो मांगों की लिस्ट निकाल लो ना। नजमा तुम इमरान को जरा घर दिखा के लाओ ना। हाँ इसी बहाने दोनों टाइम स्पेंड भी कर लेंगे। अरे शर्मा क्या रही हो? कम ऑन गेट अप, चलो इमरान। जी मैं अभी आई। अरे ये क्या है हसीन अभी? कुछ नहीं रद्दी है। जी सितंबर की शुरुआत में हम असद और जोया के निकाह के बारे में सोच रहे थे। अगर उसी तारीख को इमरान और नजमा का निकाह भी हो जाता तो बेहतर होता। क्या है कि दोनों जिम्मेदारियां एक साथ पूरी हो जाती। आपका क्या ख्याल है? मैं भी यही कह रही थी कि दोनों निकाह एक साथ होंगे तो खर्चा बचेगा ना, और वैसे भी आप तो निकाह बहुत धूमधाम से करेंगी ना। जी नहीं, दोनों निकाह बहुत सादगी से होंगे। क्या बात है, मैं भी यही चाहती हूँ, दोनों निकाह बिल्कुल सादगी से हो। आप तो मेरे मुंह की बात छीन ली। वैसे हसीना भी अगर आपकी कोई मांग है तो। हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बस नजमा चाहिए। तो ठीक है, तय रहा, इन चारों का निकाह सितंबर की शुरुआत में हो जाएगा। तो रिश्ता पक्का? जी मुबारक हो। आइए गले मिल लेते हैं। हमारी फूल जैसी बच्ची उदास क्यों है? कुछ नहीं अब्बू, ऐसे कोई बात नहीं है। जानती हो बेटा, तुम्हारा जब वो एक्सीडेंट हुआ था तो कुछ देर के लिए तो लगा हम तुम्हें खो चुके हैं, लेकिन आखिरकार इतनी दुआओं, इतना दर्द, इतना इंतजार के बाद अल्लाह ताला ने तुम्हें हमें वापस कर दिया। अरे तुम हमारी जिंदगी में खुशी बन के आई हो बेटा, और हम अपनी खुशी के चेहरे पर उदासी नहीं देख सकते। तुम्हारे ये अब्बू तुम्हारे होठों पे मुस्कान लाने के लिए कुछ भी कर जाएंगे, तुम कह के तो देखो। अब्बू जरूरी नहीं है जो हमें जिंदगी में चाहिए वो हमें मिल ही जाए। बेटा एक बार कहकर तो देखो। ओफो अब्बू जाने दीजिए ना। अच्छा मैं ये बताइए, जो आपने हमें म्यूजिक बॉक्स दिया था वो कहाँ है? वो मुझे मिल ही नहीं रहा है, पूरे घर में ढूंढा। अब्बू आपने देखा उसे कहीं?
नहीं बेटा, हमें नहीं पता। कोई बात नहीं, मैं ढूंढ लूंगी। हम उसे जश्न ईद पर लेके गए थे हुमैरा को देने के लिए। जाने क्यों हमें लगा कि हमने उसकी धुन वहां सुनी। एक धुंधली सी आवाज कानों तक आई और हम उसे वहीं छोड़ आए। क्यों, ये तो शायद हम खुद भी नहीं जानते। अब तो कहीं मिलेगी भी या नहीं, खुदा करे वो जिसे भी मिले वो उसका ख्याल रखे। सच तो यही है कि आप मुझे ठुकरा चुके हैं। वैसे भी मैं उन लोगों की परवाह नहीं करना चाहती जिन्हें मेरी परवाह नहीं है। मेरा ऐसा नहीं है। आयन प्लीज, मैं गुजरी हुई बातों को भूलना चाहती हूँ। सो प्लीज, अब बार बार याद दिलाने की कोशिश मत कीजिए प्लीज। मेरा वो मेरा वो मेरा अगर मैं ये कहूं कि मैं पुरानी कहानी याद दिलाने की नहीं, एक नई कहानी शुरू करने की कोशिश कर रहा हूं, तो फिर से कोई उम्मीद मत जगाइए। वापस उसका टूटना बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मेरा प्लीज, मेरी बात को तुम समझ। प्लीज, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, बहुत सुन चुकी हूं मैं। जस्ट लीव माय हैंड। पुप्पी, मैं देखती हूं। हेलो हेलो, आप कौन बोल रही है? मैं जोया बोल रही हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? जी मुझे ये फोन यहाँ पर पड़ा मिला तो मैंने लास्ट डायल नंबर पर कॉल किया है। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं होली चाइल्ड मैटरनिटी होम से बोल रही हूँ। मैटरनिटी होम से? हम ओके, आप मुझे फोन की कोई पहचान बता सकती हैं? ओके, थैंक यू सो मच। इमरान जी, मिला आपका फोन? नहीं, बहुत ढूंढा कार में, पता नहीं कहाँ रख दिया। आपने आज सुबह हमारे लैंडलाइन पे कॉल किया था, राइट? जी। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका फोन सिल्वर कलर का है। जी हाँ। तो वो आप ही का फोन है? मतलब मिल गया है किसी को और उन्होंने आपके लास्ट डायल पे कॉल किया तो हमारे लैंडलाइन पे फोन आया था। थैंक गॉड। कहाँ मिला? होली चाइल्ड मैटरनिटी होम से। आप आज सुबह वहां गए थे? नहीं तो। बड़ी अजीब बात है, अक्सर लोग और उनका फोन जहां जाते हैं साथ जाते हैं। आपका फोन बड़ा खराब है, आपके बिना मैटरनिटी होम में घूम रहा है। मुझे नहीं पता इमरान। I'm sorry. मुझे नहीं पता मेरा फोन वहां पर कैसे चला गया। एक्चुअली भाईजान, आपने इमरान के साथ पहली बार इतना वक्त गुजारा है और इतनी सारी बातें की हैं तो मैं सोच। तुम जानना चाहते हो कि मेरी उसके बारे में राय क्या है? टमाटर, किसी को पूरी तरह जानने में तो काफी वक्त लगता है, लेकिन जितना मैं उसे जाना हूं मुझे लगता है वो काफी
तहजीब याफ्ता शरीफ और वेल मैनर्ड लड़का। हाँ भाईजान, इनफैक्ट वो बहुत सिंपल है, वो जैसा है ना वो वैसा ही है, अब सिर्फ कोई बात छुपानी तो आती ही नहीं। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता मेरा फोन वहां पर कैसे चला गया, मैं जाकर देख कर आता हूँ। हमें तुम्हारे लिए ऐसे लड़का चाहिए था। क्या बात है मिस फारूकी, आप मेरी बात से अग्री नहीं करती? खुदा झूठ ना बुलाए बाजी, आज तो उस असद अहमद खान के सामने तुम्हारी जुबान पर अलीगढ़ का ताला पड़ गया था। वो जो कहता गया तुम मानते गई, यहां से तो बड़ी लंबी लिस्ट लेके निकली थी। दुबई से सामान मंगाऊंगी, दो दो गाड़ियां लूंगी, आ गया तुम्हारा सामान दुबई से। अरे गाड़ियां तो छोड़ो, यहां से रिक्शा भाड़ा तक नहीं मिलने वाला है। बाजी आप तो असद से डर गए। हसीना किसी से नहीं डरती, पर क्या करूं, मेरा बेटा इमरान वो नजमा की मोहब्बत में इतना बावला हुआ है कि मेरी कुछ सुनता ही नहीं। नजमा आगे पढ़ना चाहती है और वो ग्रेजुएशन के बाद एमए भी करेगी। अपना ही सिक्का खोटा हो तो सौदा भी घाटे का ही रहता है ना। मुझे तो लगता है इस रिश्ते के लिए हाँ कहकर आपने सबसे बड़ी गलती कर दी। वहां से कुछ नहीं हाथ आने वाला है। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, निकट काली थी पर उसके घर वाली हर वक्त हमारा घर भरने को तैयार रहते थे। इतना सोना देते कि उसकी चमक से लड़की की कालक भी कम लगती। पर अब क्या कर सकती हो, अब तो कोई एक ही घर हाथ आएगा। नहीं, ना मैं इस घर को छोड़ सकती हूँ और ना ही मैं उस घर को छोड़ना चाहती हूँ। भोपाल के सबसे बड़े रईस है ये लोग, इन्हें अपने जाल से निकलने नहीं दूंगी कैसे भी। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, टाइम पास। चल इसी बात पे एक शेर अर्ज है। हाँ, निकाह पे सजेगी टमाटर जैसे हीरोइन करण जौहर की, निकाह पे सजेगी टमाटर जैसे हीरोइन करण जौहर की, छुप छुप के देख रही थी फोटो होने वाले शौहर की। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, देख लिया मैंने सब कुछ, दिखा मुझे भी। शो मी शो मी शो मी। जोकर लग रहा है। नेक्स्ट। नाक थोड़ी टेढ़ी है। नहीं नहीं। ओके नेक्स्ट। व्हाट रबिश, कॉमन से गाना। क्या होगा अगर दुनिया को हमारा राज पता चल गया। कुछ भी। नेक्स्ट। मैं तुम्हारा झूठ जानती। नेक्स्ट। राज की बात कह दूं तो ये क्या, ये खामोशी टूटी तो महंगी पड़ेगी। ये सब क्या है नजमा, कौन डाल रहा है ऐसी फोटोग्राफ्स और कौन ऐसे कमेंट्स कर रहा है। मैं यूजर नेम चेक करती हूँ। किसी टी ने ये सब भेजा है, आई एम श्योर स्पैम होगा। लेट इट बी। नहीं, आपके फ्रेंड सर्कल में आप किसी को टी कह के बुलाते हो? टी तो नहीं, स्पैम है तो यार रूम वाली। हाँ पर फिर भी ऐसे कितनी सारी फोटोग्राफ्स हैं और कैसे कमेंट्स। इट्स ओके, आप इतनी सीरियस क्यों हो रहे हो, किसने प्रैंक प्ले किया होगा। यू रियली थिंक इट्स समथिंग सीरियस? नो, मैं जर्नलिस्ट से पूछ रही थी कि हाँ हाँ वैसे तो इट्स वेरी कॉमन। अरे यार मेरी एक फ्रेंड है, मेरे पेज पे चेक करना मुझे कैसी कैसी फोटोग्राफ सेंड करती है, इतनी स्केरी और इतनी। सॉरी जैकेट। ए लिसन ना, मुझे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। ओ एक मिनट। बोलिए।
इट्स अबाउट मिस्टर खान। ओह बोलिए बोलिए। एक्चुअली क्या है ना कि आपके भाईजान कुछ जरूरत से ज्यादा शर्माते हैं। मैं जब भी उनसे पूछती हूँ ना कि अपनी कुछ लाइकिंग यू नो आपकी कोई विशेज ऐसे मुझे कुछ बताइए, इतना टाइम वेस्ट करते हैं ना नजमा, तो मुझे लगा कि मैं तुमसे पूछ लेती हूँ। तुम बताओ ना कि उनकी कोई सीक्रेट लाइकिंग या कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसी चीज जिसे वो सीक्रेटली बहुत ज्यादा एडमायर करते हो है कुछ? Let it be. I'm sure you don't want to know. देखो नजमा, फुटेज खाने के लिए ना तुम्हारे भाईजान काफी है, बहुत फुटेज खाते हैं, प्लीज तुम बताओ ना। ओके ओके। बचपन में भाईजान को श्रीदेवी पर मेजर वाला क्रश था, लाइक बड़ा वाला क्रश। रियली? या मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं? अरे गलती इंसान से ही होती है और मुझसे भी हो गई। हम ना नौगज पीर को बहुत मानते हैं। उस दिन मैं आपकी बेइज्जती करके बहुत खुश थी, पर उस रात पीर बाबा मेरे ख्वाब में आए और मुझे कहा, हसीना तुमने गुनाह अजीम किया है, इसलिए जाकर अपने गुनाह की माफी मांगो। तब से मेरी रूह इतनी बेचैन है, आप मुझे माफी दे देंगे तो शायद मेरी रूह को सुकून मिलेगा। हसीना बी, समझाइए इन्हें प्लीज। मुझे पता है मुझ जैसी सास निकट जैसी बहू को नहीं मिलनी चाहिए, पर फिर भी। पर फिर भी क्या? अब मेरा बड़ा बेटा फरहान अमरीका से लौट रहा है। फोटो तो देखिए, ये उसकी तस्वीर है। समझ में नहीं आता आप लोगों से कैसे कहूं, फिर भी कहना तो पड़ेगा ना। वो क्या है ना, मैं अपने बड़े बेटे फरहान के लिए निकट का हाथ मांगना चाहती हूँ। सीना भी, ये क्या बेहूदा मजाक है? मजाक नहीं है राशि साहब, दरख्वास्त है, आप गौर कीजिएगा। मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, बहुत खूबसूरत है, बिजनेसमैन है, कोई कमी नहीं है उसमें। निखत उसके साथ बहुत खुश रहेगी। और आपके साथ? आपने ये सोच भी कैसे लिया कि हम अपनी बेटी को आपके घर भेजेंगे? आप अभी नाराज हैं, कोई बात नहीं, मैं आपका गुस्सा ठंडा होने तक इंतजार करूंगी। अगर निखत हमारे घर आएगी तो हमारी खुशकिस्मती होगी। अब सोचिएगा, मैं चलती हूँ। कैसी औरत है ये? इससे बड़ी वाहियात और बेहद औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।